अस्सलाम वालेकुम, मैं सुजारा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाक भारत टाकरा यानी कि मदर ऑफ द कॉन्टेस्ट कल होने जा रहा है कैंडी के क्रिकेट स्टेडियम पाले किले में। भारतीय फैंस हों या पाकिस्तानी फैंस हों, सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और चाहते हैं कि उन्हीं की टीम जीते। और बाकायदा अब दुआओं का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन पाक भारत मुकाबले की बात हो रही हो और ऐसे में कोई ट्विस्ट ना आए, भला ये कैसे मुमकिन है। तो जनाब, बारिश आ गई है रंग में भंग डालने के लिए और कल भी 70% चांसेस हैं कि ड्यूरिंग मैच बारिश हो सकती है, जबकि वीकली फोरकास्ट में तो लगातार ही बारिश शो हो रही है। तो शायकी ने क्रिकेट के लिए किसी हद तक ये थोड़ी सी मायूस कुन खबर जरूर है। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान का वनडे फॉर्मेट में 2023 का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो बड़ा हैरान कुन है। दोनों ही की जानिब से 12-12 मैचेस खेले गए हैं, 9-9 मैचेस में कामयाबी मिली है और 3-3 मैचेस में दोनों ही टीम शिकस्त का सामना कर चुकी हैं। लेकिन अगर हम एवरेज देखें तो पाकिस्तान की बेहतर है, विच इज 38.76, जबकि इंडिया की एवरेज कोई 36 के आसपास है। और फिर जी बाबर आजम, विराट कोहली का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने में अब सब उन्हें 6 रन दरकार हैं। और ये रिकॉर्ड है ओडीआई फॉर्मेट में 2000 रन बनाने का बतौर कप्तान, जो कि अहम मुमकिन है कि बाबर आजम ये रिकॉर्ड कल ही तोड़ देंगे। और अगर उनकी जानिब से सेंचुरी बना ली जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए तो बेनिफिशियल होगा ही, लेकिन खुद उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा, बिकॉज बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम करने में वो कामयाब हो जाएंगे। कैंडी का क्रिकेट स्टेडियम काफी हिस्टोरिकल है और यहाँ पर इंटरेस्टिंगली सिर्फ दो ही गैर मुल्की टीमें जीत सकी हैं, एक पाकिस्तान है और दूसरी है वेस्ट इंडीज। 2017 के बाद से यहाँ पर इंडिया ने कोई ओडीआई मैच नहीं खेला है। हाँ, लेकिन उनके दो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जिनमें रोहित शर्मा और बुमराह आते हैं, वो यहाँ पर जरूर खेल चुके हैं। तो अब देखते हैं कि पिच कैसे बिहेव करती है और कैसी होती है। फिर टॉस बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है, बिकॉज इस ग्राउंड की एक हिस्ट्री है कि जिन टीम्स ने पहले बैटिंग की है तो 6 मैचेस के अगर हम एवरेज देखें तो एक ही टीम जीत पाई है, वो भी है मेजबान श्रीलंका। फिर अब टॉस बहुत ज्यादा मैटर करेगा, जो टीम पहले फील्ड करेगी और पहले बॉलिंग करेगी, कामयाबी के चांसेस उसके ही बहुत ज्यादा हैं। फिर इंडिया के लिए भी कड़ा इम्तिहान होगा, आसान ही उनके लिए भी नहीं होगी। एक तो पहला मैच खेल रहे हैं, फिर कंडीशंस नहीं है, इसके अलावा जी खतरा भी है बारिश का, फिर पाकिस्तानी पेसर्स का भी खतरा है। तो अब देखते ये हैं कि भारत कैसी टीम उतारता है पाकिस्तान के खिलाफ और भारतीय बैट्समैन पाकिस्तानी पेसर्स का मुकाबला किस तरह करते हैं। तैयारियां तो खूब की जा रही हैं दोनों साइड से, नेट प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा हो रही है और दोनों टीम ही इस वक्त पूरी कोशिश करेंगी जिसे कल के मैच में एक दूसरे से हावी रहें और एक दूसरे पर बाजी ले जाए। लेकिन शायद ये इतना आसान नहीं होगा और दोनों ही टीमों को बहुत ज्यादा एफर्ट मारनी पड़ेगी, क्योंकि पाक भारत मुकाबला बहुत ज्यादा एक हाई इंटेंसिटी मैच होता है और प्रेशर इस मैच में बहुत ज्यादा होता है। और सरप्राइजिंगली इस बार हम ये भी देख रहे हैं कि भारतीय टीम कुछ प्रेशर में नजर आ रही है, कुछ सहमी हुई नजर आ रही है, और इस बात का अंदाजा हमें भारतीय साइड से भी हो रहा है, उनके क्रिकेट एनालिस्ट जिस तरह के बयानात दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भारत हमेशा ही पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करता था और बड़ी बड़ी बातें उनकी जानिब से की जाती थी, लेकिन इस बार ऐसे कोई टैक्टिक अपनाए नहीं जा रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है ये तो बेहतर भारतीय टीम ही जानती है और भारत ही जानता है, इस पे तो हम कोई राय नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान टीम ने अपनी हालिया परफॉर्मेंस से इंटरनेशनल क्रिकेट में धाक जरूर बिठा ली है। लेकिन कल के लिए हम 100% ये नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान ही जीतेगा। हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान टीम ही जीते, लेकिन जीतेगी वही टीम जो प्रेशर को हैंडल करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी और ग्राउंड में अपना 100% देगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मजीद भी इस हवाले से अपडेटेड रहें तो फौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।